हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एडुकार्ड सीबीएसई क्लास 10th का जो रिड्यूस सिलेबस है 2021 के लिए, उसका मैथमेटिक्स क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, जो कि हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 पे पहुँच गए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो आज हम इसके वेरी शॉर्ट आंसर करेंगे और शॉर्ट आंसर्स टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25th पे हम लोग पहुँच गए हैं। तो राइट द रिलेशन बिटवीन द कोफिशियंट इफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो हमें इक्वेशन क्या दे रखी है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू जीरो। सो रिलेशन क्या हो जाएगी कि ए अपॉन ए डैश इक्वल टू बी अपॉन बी डैश इक्वल टू सी अपॉन सी डैश, राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई एक्स इक्वल टू 7 इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जस्टिफाई वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। इट ट्रू तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो लाइन इसके पैरेलल थोड़ी ना होगी। लाइक द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई एक्स इक्वल टू 7 इज ऑफ द फॉर्म, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए और द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इज ए पैरेलल लाइन टू द y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हो गया, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल टू 7 इज नॉट पैरेलल टू x एक्सिस, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, राइट। यहाँ पे देखो इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन दे रखी हैं। तो ये x इक्वल टू 7 है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन विल द सिस्टम के x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन ओनली। सो ए पेयर ऑफ लीनियर पेयर हैज यूनिक सॉल्यूशन ओनली व्हेन, कब, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। सो इसका मतलब क्या, ए वन की वैल्यू रखेंगे हम के अपॉन 6 नॉट इक्वल टू माइनस वन अपॉन माइनस टू। तो यहाँ पे क्या मिल गया कि के नॉट इक्वल टू माइनस 3, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 7x प्लस 6y इक्वल टू 2। सो यहाँ से इक्वेशन क्या मिल गई, x प्लस वाई इक्वल टू 3 gives y equal to 3 minus x, 7x plus 6y equal to 2, so gives 7, अब y की value रख देंगे यहाँ पे हम, कि 7x plus 6, 3 minus x equal to 2, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, 7x plus 18 minus 6x equal to 2, तो x की value क्या आ गई, x equal to minus का 16, अब इस को equation number 1 में रखा, तो y की value क्या, y equal to 3, और x की वैल्यू क्या थी, माइनस का 16, तो 3 प्लस 16 मतलब 19 आ गया। तो x इक्वल टू माइनस का 16 एंड y इक्वल टू 19 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया, राइट। चलिए इसी में नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप SA1 टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं, जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 की, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन k x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 6y इक्वल टू 10 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, राइट। सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन यानी k x प्लस 2y इक्वल टू 3, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3x प्लस 6y इक्वल टू 10, राइट। एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 6y इक्वल टू 10। सो फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो यहाँ पे वैल्यूज देख लेंगे कि a1 क्या है, k है, b1 क्या है, 2 है, a2 क्या है, 3 है एंड b2 जो रहेगी वो आपकी 6 आ गई। तो a k अपॉन 3 नॉट इक्वल टू 2/6 यानी k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3। सो द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k एक्सेप्ट 1, राइट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 30, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सटेंडेड टू स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो फाइंड द एंगल्स, राइट? सो लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स एंड द लार्जर एंगल बी वाई अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. वाई इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 18, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में 18, राइट? 18 डिग्री. तो यहाँ से हमें और सेकंड कंडीशन क्या है एंड कि x प्लस वाई इक्वल टू 18. सो सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज 180, ठीक है? तो सॉरी यहाँ पे होगा x प्लस वाई इक्वल टू 180. सो अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 2y इक्वल टू 198. तो y की वैल्यू 99 आ जाएगी. अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 81 आ गई. तो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या आ गए हमारे पास, 81 डिग्री एंड 99 डिग्री, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 31, इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू एक्स डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 3x डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू वाई डिग्री, इफ 3x डिग्री माइनस 5x डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री, प्रूफ दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल, राइट? सो हमें दे रख लाइक हमें पता है कि वी नो दैट एंगल, तीनों एंगल का सम क्या रहता है 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 180. अब यहाँ पे 3x प्लस 3y प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो 4x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री. इक्वेशन नंबर इसको 1 बोल दिया. एंड सेकेंड इक्वेशन गिवन है कि 3x माइनस 5x 3y माइनस 5x इक्वल टू 30. अब इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया हमारे पास में कि 12x प्लस 3y इक्वल टू 540 डिग्री. तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन जो हमारा ये थर्ड बना है उसको सब्सट्रैक्ट किया तो 13x इक्वल टू 510 आ जाएगा. तो x की वैल्यू 30 डिग्री हमें यहाँ पे मिल गई. अब ये x की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो वहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी जो कि क्या है 60 डिग्री. तो हमें एंगल्स मिल गए, एंगल A 30 डिग्री, एंगल B जो रहेगा वो 3 इंटू 30 डिग्री एंड 90 डिग्री, और एंगल C क्या हो जाएगा 60 डिग्री. तो ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट किस पे, B पर, क्योंकि वो 90 है, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 32 की फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस सी एक्स प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इक्वल टू 0, 12x प्लस सी वाई इक्वल माइनस सी इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. सो गिवन इक्वेशंस क्या है कि सी एक्स प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इक्वल टू 0 और 12x प्लस सी वाई माइनस सी इक्वल टू 0, राइट? तो कंडीशन फॉर इक्वेशन टू हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तो क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. अब इनकी वैल्यूज निकालेंगे, अगर a1 क्या है c है, b1 क्या है 3 है और c1 क्या है 3 माइनस c है, a2 क्या है 12 है, b2 क्या है c है और c2 क्या है माइनस का c है. तो c अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन c इक्वल टू 3 माइनस c अपॉन माइनस का c. तो यहाँ से सी स्क्वायर इक्वल टू 36 आ जाएगा तो सी की वैल्यू क्या आ गई 6 और माइनस का 6, राइट? एंड माइनस 3c इक्वल टू 3c माइनस सी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू यहाँ पे दो वैल्यूज फैक्टर आ रहे हैं सी इक्वल टू 6 और सी इक्वल टू 0. सो इक्वेशन 1 एंड 2 से कॉमन वैल्यू क्या है सी इक्वल टू 6,
वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, c इक्वल टू 6, जिसके लिए क्या होगा, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इसके आएंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, इन ए फिगर रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, राइट। सो ए बी सी डी और इनकी चारों साइड इसकी दे रखी हैं, ये एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, 30 और 14, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ट्राइंगल रेक्टेंगल ए बी सी डी है, तो ए बी इक्वल टू 30 डिग्री, बी सी इक्वल टू एक्स माइनस वाई और सी डी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, डी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, राइट। तो बट द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल होती है, तो ए बी इक्वल टू सी डी है, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30 और बी सी इक्वल टू ए डी है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 14। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा कि 2x इक्वल टू 44 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 22। ये x की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर 22 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 34, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, k माइनस 1x प्लस k प्लस 2y इक्वल टू 3k हैव एन इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सो द सिस्टम, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और k माइनस 1x प्लस k प्लस 2y इक्वल टू 3k, सो फोर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो यहाँ से वैल्यूज आ गई, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू 7। सो a2 क्या है, k माइनस 1, b2 क्या है, k प्लस 2 और c2 क्या है, 3k। तो 2yk-1 इक्वल टू 3yk+2 इक्वल टू 7/3k, राइट। सो यहाँ से हमें वैल्यूज मिल गए कि ट्वाइस के प्लस 2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ k-1 और यहाँ से क्या मिल जाएगा कि थ्राइस 3k इक्वल टू 7/k+2। तो इक्वेशन क्या मिल रही है कि 2k-3k इक्वल टू -3-4। सो इधर यहाँ पे इक्वेशन मिल रही है कि 9k-7k इक्वल टू 14। तो k की दोनों ही कंडीशन में वैल्यू क्या मिल रही है, 7। तो द वैल्यू ऑफ k इज 7। क्वेश्चन नंबर 35, इफ 2x प्लस y इक्वल टू 23 एंड 4x-y इक्वल टू 19, सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5y-2x एंड y/x-2। सो द गिवन इक्वेशन आर क्या है, 2x प्लस y इक्वल टू 23, 4x-y इक्वल टू 19, 1 और 2 इक्वेशन है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7। अब x की वैल्यू 7 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, y इक्वल टू 9, यहीं से मिल जाएगा y इक्वल टू 9। अब हमें 5y-2x, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई हमें, दिस इज 31। तो y/x-2 क्या हो जाएगा, 9/7-2। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई माइनस के 5/7। सो द वैल्यू ऑफ 5y-2x एंड y/x-2 आर 31 एंड -5/7 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 36, राइट एन इक्वेशन फॉर ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू 2 एंड 2x-y इक्वल टू 1, हाउ मैनी सच लाइन्स कैन वी फाइंड। सो द
गिवन इक्वेशन आर x प्लस वाई इक्वल टू टू और 2x माइनस वाई इक्वल टू वन, तो दोनों इक्वेशन से हमें इनको ऐड किया तो हमें क्या मिल गया 3x इक्वल टू थ्री यानी x इक्वल टू वन। अब x वन इक्वेशन वन में अगर रख दिए वैल्यू x इक्वल टू वन इक्वेशन वन, तो यहाँ से मिल गया हम y इक्वल टू वन। सो द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू वन एंड y इक्वल टू वन एंड द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन इज 1, 1। सो वी ऑल्सो नो दैट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट से 1, 1। सो इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन यानी x प्लस वाई इक्वल टू टू एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू वन। सो दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएंगे 1, 1। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडिड टू इट्स डिनोमिनेटर। सो फाइंड द फ्रैक्शन। सो लेट फ्रैक्शन बी ए बाई बी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस 1/b इक्वल टू 1/4 एंड a अपॉन b प्लस 8 इक्वल टू 1/4। सो यहाँ से क्या मिल गया 3a माइनस b इक्वल टू 3 एंड 4a माइनस b इक्वल टू 8। सो यहाँ से a b की वैल्यू हमने निकाली तो हमें क्या मिल गई a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 12। सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/12। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 कि इन द फिगर ए बी सी डी ई A is a pentagon with BC parallel to CD and BC parallel to DE. So BC is perpendicular to CD. So AB equal to 5 cm, AE equal to 5 cm, BE equal to 7 cm or BC equal to x minus y and CD equal to x plus y. If the perimeter of ABCDE is 27 cm, find the value of x and y. Given है कि x, y not equal to 0, दोनों की value ही 0 नहीं होगी। तो triangle आपको यहाँ पे pentagonal दिख रहा है, किस तरह से दिया हुआ है ABCDE, right? So x plus y equal to 7 and 2x twice of x minus y plus x plus y plus 5 equal to 27। So, यहाँ से क्या मिल गया x plus y equal to 7 and 3x minus y equal to 17। So, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर मिल जाएगा x equal to 6 and y equal to 1। So, थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियोस को देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहें और नए वीडियोस को देखते रहें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास में न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंचे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।